Hello, everyone. Till now, we have done the basic concepts of contract costing. And from this video, we are going to start with the practical questions of contract costing. Now, the questions will go like this. Firstly, we will start with the basic questions, and then we will move to the high level questions of contract costing. But before moving forward to the questions, there is one concept which was left in the previous video, and that is again very important, and you will be covering this many times in your questions. Now the question, uh, the says कि अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में वर्ड मेटीरियल इट इज टू बी टेकन इज मटीरियल परचेज हम उसको मटीरियल परचेज मानेंगे और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अब प्रॉब्लम तब आती है क्वेश्चन में जब आपके पास मटेरियल नहीं लिखा बट दो चीजें गिवन है आपको उन्होंने बोल दिया कि क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड है और हमारे पास मटेरियल एट साइट है तो अब इन दोनों चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना तभी भी मटेरियल कंज्यूम्ड एंड मटेरियल एट साइट दोनों चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो नहीं की जाती है उसका रीजन ये रहता है मटेरियल एट साइट का मतलब क्या है कि ये आपके पास आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो आपके मटेरियल का पड़ा है आपके साइट पे अब एक तरफ आप अपने डेबिट साइड में कंज्यूम्ड रिकॉर्ड कर रहे हो कंज्यूम्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने कितना ओपनिंग लिया कितना आपने क्लोजिंग बचा रहने दिया वो एडजस्ट करते हो और एक तरफ आप उसका क्लोजिंग स्टॉक दोबारा एडजस्ट कर रहे हो उसकी क्रेडिट साइड पे तो इससे क्या है आपके जो मटीरियल एक्साइड है क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो दो बार हो जाएगी हमने उसको अवॉइड करना है हमने उसकी एडजस्टमेंट सिर्फ एक बार ही करनी है सो so, अब उसको कैसे एडजस्ट किया जाए तो अब उसके लिए हमारे पास दो वेज होते हैं उन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए विच एवर वे यू वॉन्ट टू प्रोसीड अप टू यू बोथ वेज आर करेक्ट एंड विद बोथ द योर आंसर विल बी सेम नाउ द वेरी फर्स्ट वे विच यू कैन यूज वट यू कैन डू आप सिर्फ और सिर्फ क्लो मेटीरियल uh, कंज्यूम्ड को ही रिकॉर्ड करोगे ऑन योर डेबिट साइड और जो आपका मेटीरियल एट साइड है उसको आप अवॉइड कर दोगे रिकॉर्डिंग दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट विच यू कैन डू उससे क्या होगा आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ material consumed के साथ ही adjust हो जाएगा और उसको दोबारा से दूसरी में लिखने की जरूरत नहीं है है अब second adjustment आपके पास क्या रहती है? कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है आप सबसे पहले उसमें से मेटीरियल पर निकालो जो इनफो दी है firstly you have to calculate material एक बार पर चेस्ट आ जाएगा फिर आप क्या करो मेटीरियल पर को आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो मटेरियल एट साइट को क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर सो दीज आर द टू वेज इन यू कैन एडजस्ट योर फिगर्स अब ये अगेन लॉजिक क्या है आपका जो भी मटेरियल मेटीरियल होता है आप जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है और प्लस टू प्रीवियस ईयर से आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है उनमें से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करें तभी हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड आता है अब कंज्यूम्ड में आप ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर कर चुके हो मटेरियल एट साइट पे इसी वजह से उसको दोबारा से रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो हमने क्या किया हमने मटेरियल निकाल लिया कि हम कंज्यूम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे हम सिर्फ मटेरियल परचेज एंड मटेरियल एट अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर रिकॉर्ड कर लेंगे सो so ये एक ट्रीटमेंट रहती है जो इंपॉर्टेंट भी है एंड यू विच यू ऑन टू आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपने कैसे ट्रीट करना है लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन मोहन अंडरटेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज टू लैक्स ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड नाइन अब जो ये पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और आपको स्टार्टिंग डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दिया है इन कट देंसेस आपको एक्सपेंसिस की डिटेल गिवेन है कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड नाइन अब अगर हम यहाँ पर चेक करें फर्स्ट जैन को शुरू हुआ थर्टी फर्स्ट डिसम्बर को कम्प्लीट हो गया विद इन वन ईयर कम्प्लीट हुआ है एंड मोर ओवर आपको एक क्लोजिंग स्टॉक बोला है दैट ये क्या है ये टू ईयर फॉलो कर रहे हैं ये आपका अप्रैल टू मार्च ईयर फॉलो नहीं कर रहे है. तो आपका कॉन्ट्रैक्ट उस दिन कम्प्लीट हो गया एंड द कॉन्ट्रेक्टी मेड द पेमेंट एज पर एग्रीमेंट और जो एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टी ने पेमेंट कर दी अब ये पार्ट भी बहुत जरूरी है हम यूज करेंगे इसको आगे जाकर प्रोवाइड पर एनएम दिया है परचेज किया होगा उसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ मोहन अब जो मोहन है मोहन कौन है कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अंडरटेक किया है उनके बुक्स में जितने भी नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं यू हैव टू प्रिपेयर सो so, अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन ये आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है देन यू विल राइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अब कई बार क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट का नंबर होता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर ने काफी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिए होते हैं तो वो नंबर डाल देते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है आपको मेंशन करना है अब यहां पर हम क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे हमारी एक डेबिट साइड रहेगी क्रेडिट साइड रहेगी तो अब हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी आइटम्स रिकॉर्ड कैसे होंगे सो so, सबसे फर्स्ट आइटम हमें जो दी है वो दी है मटेरियल कंज्यूम्ड ठीक है बट आपको पहले ये चेक करना है कि क्या आपको मटेरियल एट साइट दिया है क्लोजिंग वाला येस हमें मटेरियल एट साइट क्लोजिंग में दिया है अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं या तो आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड को रिकॉर्ड करो और मटेरियल एट साइट को पूरी तरह से इग्नोर कर दो या फिर आप यहां पर मटेरियल परचेज निकालो अब क्योंकि फर्स्ट जो मेथड है वो करना काफी इजी है मैं आपको सेकेंड मेथड से कैलकुलेट करना बता रही हूँ करोगे अब हमारे पास मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इट इज इक्वल टू द मटेरियल विच इज परचेज प्लस एनी काइंड ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस एनी काइंड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है मटेरियल कंज्यूम्ड का अब मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है फिगर हमने निकालनी है ओपनिंग स्टॉक जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है सो वी आर एज्यूमिंग इट एज जीरो माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको फोर थाउजेंड गिवन है तो यहां से जो आपके मटेरियल परचेस्ट की वैल्यू है वो आ जाएगी फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज अब यहां पर हम क्या करेंगे हम मटेरियल परचेस्ड 44,000 डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और मटेरियल एट साइड जो फिगर है क्लोजिंग स्टॉक वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे सो लेट्स चेक हाउ दे हैव डन सो उन्होंने भी ऐसे ही किया है दे हैव रिकॉर्डेड योर मटेरियल परचेस्ड 44,000 उन्होंने कैलकुलेट किया है आपको भी वर्किंग नोट ड्रॉ करना बहुत जरूरी है आइदर यू कैन प्रिपेयर इट विद इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या फिर आप इसको वर्किंग नोट एक्स्ट्रा भी बना सकते हो और उन्होंने उसके साथ साथ मटेरियल एट साइड क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड किया हुआ है सो दिस इज द एडजस्टमेंट जो आपको करनी है नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ और एक्सपेंसेस दिए हैं एक्सपेंसेस कौन से हैं बेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लांट परचेस्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमें पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट डे में ही किए थे कि हम उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं सो वी विल बी डूइंग द सेम हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे फोर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं सो हेयर दे हैव डन द सेम वेजेस डायरेक्ट है प्लांट परचेस्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये पार्ट उन्होंने अब हमें करके दे दिया अब यहां पर आप चेक करो फर्स्ट आइटम डन सेकंड डन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अब आते हैं हम अपनी क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में हमने अपना मटीरियल साइड भी रिकॉर्ड कर लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर एक प्लांट परचेज किया था जो आपने फिफ्टी थाउजेंड का रिकॉर्ड किया हुआ है अब हमें कहीं पर भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपने प्लांट परचेज किया तो उसको आपने बेचा है कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपने प्लांट परचेज किया था वो एट द एंड आपके पास साइट पर ही क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में पड़ा है और आप उसको अब रिकॉर्ड करोगे एज प्लांट एट साइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपका जो प्लांट है जो मशीनरी है उसको उसी अकाउंट में ही शो कर दिया जाता है वो ये नहीं मानेंगे कि फिक्स एसेट है तो उसको बैलेंस शीट में ड्रॉ करेंगे नो no. उनके लिए ये उनका मटेरियल ही है तो प्लांट एट साइट आप उनका क्लोजिंग स्टॉक शो करोगे अब उसको कैसे करना है क्वेश्चन में हमें पर दिया हुआ था। आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्लांट रहेगा या मशीनरी रहेगा वो हमेशा चार्ज करके ही रिकॉर्ड होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 50, है, 15 आप उसके चार्ज करोगे, तो आपका जो बैलेंस आएगा फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिकॉर्ड हो जाएगा अब क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी प्लांट का परचेज डेट नहीं बताई गई थी हमने यही रिज्यूम किया कि आपने उसको फर्स्ट डे ही परचेज किया है अगर आपको वो बताई जाती तो आप उतने रिस्पेक्टिव मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको पर एनम दिया अगर पर एनम ना दिया होता फिर तो चाहे आप लास्ट डे परचेज करो चाहे आप फर्स्ट डे परचेज करो चाहे विद इन द ईयर परचेज करो आपको पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ती है सो दिस आइटम ऑल्सो डन अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्योंकि ये हमारा केस ऐसा है कि विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है तो यहां पर आपका क्या आएगा बाय कॉन्ट्रेक्टी अकाउंट हमने ये वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि हम एक कॉन्ट्रेक्टी के अकाउंट में दो चीजें पोस्ट करते हैं एक तो होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और एक होता है कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वर्क डन की इन्फो नहीं है दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस स्टार्टिंग में ही मेंशन था टू लाख रुपीस है तो टू लाख रुपीस की रिकॉर्डिंग हो चुकी है दैट्स इट ऑल आइटम्स डन अब आप इस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको इस साइड रिकॉर्ड करोगे अगर लॉस आ रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे अब ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो मोहन की बुक्स में ड्रॉ किया जाता है क्वेश्चन में अगर हम देखें हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला उन्होंने हमें बोला है

हम नॉर्मली दो जर्नल एंट्रीज पर फोकस करते हैं सबसे फर्स्ट जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हुआ या जब आपने उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो और सेकेंड जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो होती है कैश रिसीव करने की जो आपने उस पार्टी से रिसीव की है एज पर द एग्रीमेंट फर्स्ट जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को ड्यू किया और सेकेंड जब आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को रिसीव किया ये आपके पास दो तरह की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है आप बनाओगे कॉन्ट्रेक्टी का अकाउंट अब कॉन्ट्रेक्टी के अकाउंट में फर्स्ट मैंने बोला था कि आप ड्यू होने की एंट्री डालते हो तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो आपकी रिकॉर्ड हो गई टू लैख रुपीज सेकेंड जो आपका रहेगा वो रहेगा कैश रिसीव करने का कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रेक्टी अकाउंट तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैख कॉन्ट्रेक्टी अकाउंट दोनों यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ड्यू होगा यहाँ पर आपने जितना कैश रिसीव किया है उससे ड्यू होगा क्योंकि यहाँ पर सारे का सारा कैश रिसीव हो चुका है तो कोई भी फिगर बैलेंसिंग फिगर नहीं सो दिसंट्रैक्ट अकाउंट जो uh, एक कॉन्ट्रैक्टर uh, की बुक्स में ड्रॉ किया जाता है ट्राई दिस क्वेश्चन शेयर एंड कॉमेंट एंड इफ यू टू है Do join our Telegram channel. Thank you so much.